हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल कोमल लाइफ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के हलवे की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो लौकी, तो जिसे मैं जल पील कर लूँगी। इसी तरह से हम दोनों लौकी को पील कर लेंगे और बीच में से कट लगा देंगे और इस तरह से पीसीस कर लेंगे इसके। जितना हो उसके आप ताजी और कच्ची लौकी लीजिए, उसमें बीज भी नहीं होते हैं और वो उससे हलवा अच्छा भी बनता है और हलवे का कलर भी अच्छा आता है। अब मैंने इसमें जो बीज का पार्ट होता है, बीज वाला, वो मैंने हटा दिया है और जो ये प्रोसेस है हमें फटाफट करनी पड़ेगी, क्योंकि लौकी जो होती है कटने के बाद काली पड़ने लग जाती है, इसलिए हमें इसे जल्दी जल्दी कसना है। इसके लिए हम एक घिया कस लेंगे और उसके मोटे साइड, मोटे जो होल हैं उसके बड़े जो होल हैं उस साइड से हम घिया को कसेंगे। प्रोसेस हम फटाफट करेंगे, नहीं तो घिया काली पड़ जाएगी और हमारा जो लौकी के हलवे का कलर है वो अच्छा नहीं आ पाएगा। तो अब हम इसे फटाफट फटाफट सारी घिया को कस लेंगे। जब भी आप लौकी का हलवा बनाएं, हमेशा ये याद रखें कि उसे हमेशा मोटी साइड वाले होल से ही कसें। इससे क्या होता है, हलवा अच्छा बनता है, फ्लेवर अच्छा आता है, हलवा भी अच्छा बनता है। देखिए, जो हमारी लौकी है सारी कस चुकी है। दूसरी तरफ मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया है कढ़ाई में, जो गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें जो हमारी ये लौकी है उसको डाल दूंगी और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, उसके बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देना है अच्छे से। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। पेठा बनाते हैं, पेठा जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है पकने के बाद, वैसे ही ये लौकी भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी जब ये पक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, घी जो है ऊपर आने लग गया है साइड में, आप देख पा रहे हैं, और ये बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क ऐड करने से पहले हमें मिल्क को बॉईल करना है। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/2 लीटर मिल्क ऐड करेंगे। ये नॉर्मल मिल्क है, आप कोई सा भी फुल फैट मिल्क, नॉर्मल मिल्क, कोई भी मिल्क ले सकते हैं। उसे हमें बॉईल करना है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या होगा कि हमारा जो मिल्क है वो घिया में ऐड करने पर नहीं फटेगा। मेन दिक्कत क्या आती है घिया के हलवे में कि मिल्क ऐड करते हैं तो मिल्क फट जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर जो है घिया ने बिल्कुल, जो हमने घी ऐड किया था बिल्कुल छोड़ दिया है, यानी हमारी घिया पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पे मिल्क, और देखिए जो हमारी घिया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसमें कुल 5 से 7 मिनट लगते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमने ये बेकिंग सोडा डाला है, इससे डालने से हमारा जो मिल्क है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अगर फिर भी आपको आपका मिल्क फट जाता है, पहली बात तो आपका फटेगा ही नहीं, अगर फिर भी फट जाता है तो आप इसे कंटिन्यू बनाते रहिए। लास्ट तक बनते टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका मिल्क फटा हुआ है, तब भी बड़ा ही टेस्टी हलवा बनता है। देखिए, इसमें बॉईल आ चुका है और ऐसे ही बॉईल आने देंगे। अब मैं इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें एक अच्छा नेचुरल कलर आ सके। अगर आपकी घिया ताज़ा नहीं है, ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं आ पा रहा है, तो आप उसमें 1 पिंच ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, जिससे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे, ऐसे ही पकने देंगे ताकि दूध पक कर बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। देखिए, जो साइड से जो दूध पका हुआ मलाई चिपक जाती है उसे हम हटाते रहेंगे और इसमें मिक्स करते रहेंगे और इसे इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। टोटल हमारा हलवा बनने में 35 से 40 मिनट लगेंगे। जब तक हमारा लौकी पक रही है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, जिसके गर्म होने पर मैं इसमें चॉप्ड आलमंड्स ऐड करूंगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और हल्की इनको रोस्ट कर लूंगी। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, हमें इन्हें जलाना नहीं है, हल्के क्रिस्पी गोल्डन करने हैं।
और जब भी आप किसी भी हलवे में ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, हमेशा फ्राई करके ही ऐड करें, उससे कई गुना टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं इसमें कुछ किशमिश ऐड कर रही हूँ, इनको भी चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और इन्हें 10 से 15 सेकंड ही फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जो किशमिश होती हैं वो जल जाती हैं और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ये फूलने लग जाती हैं थोड़ा, तो उसका इंडिकेशन होता है कि ये पक चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं, अब निकाल लिया है। और दूसरी तरफ जो हमारा हलवा है वो भी पक रहा है, देखिए थोड़ा गाढ़ा होना ये स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड अब विंटर सीजन इसे जरूर ट्राई कीजिए आप, बड़ा ही टेस्टी बनता है। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, आप चाहे तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, जो दूध के ऊपर की मलाई आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें इस स्टेज पे खोआ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे ये बहुत ही क्रीमी बन जाता है इस तरह से भी, लेकिन आप ज़्यादा हैवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें खोआ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है, एक अच्छे से फ्रेग्रेंस के लिए, टेस्ट के लिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। कंटिन्यू इसे चलाते रहना है और कुछ टाइम में देखिए फ्रेंड्स ये और गाढ़ा हो जाएगा, जो दूध है बिल्कुल सूख जाएगा। और इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, यहाँ मैंने 1 बाउल शुगर ऐड करी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इसमें शुगर ऐड करी ये वापस से लिक्विड ही फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो शुगर होती है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए वापस से जो हलवा है वो पतला हो जाएगा। और अब हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर डालने के बाद ये जल्दी जलने का डर होता है, चिपकने का डर होता है, तो हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। आप इस हलवे को आसानी से फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। देखिए हलवा गाढ़ा हो गया है और ये घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है, इसके साइड में घी दिखने लग गया है। अब हम इस स्टेज पर जब ये घी छोड़ने लग जाएगा, देखिए साइड में हम जो ड्राई फ्रूट्स है जो हमने फ्राई करे थे वो ऐड कर देंगे। आप इसमें चाहें तो रोज पेटल भी ऐड कर सकते हैं। देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। और देखिए हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है, गैस की फ्लेम अब मैंने ऑफ कर दी है और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, आप देख रहे होंगे। और चलिए अब इसे सर्व करते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और फ्रेंड्स ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा है, खाने में अच्छा है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इस विंटर सीजन। आप खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए और इसे इंजॉय कीजिए। और आप इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी रोज पेटल भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।